हेलो फ्रेंड्स, आज असी लेसिक तो बाद अखां दा ध्यान रखने वास्ते की गल्लां दा ध्यान रखना है उस बारे गल करांगे। लेसिक सर्जरी एक डे केयर प्रोसीजर है। इस विच अखां दी कोई पट्टी नहीं बनी जांदी। 10 मिनट दा प्रोसीजर हुंदा है। एक अख नूं 5 मिनट लगते हैं, दूसरी अख नूं 5 मिनट लगते हैं, ते लेसिक हो के तुहाडा चश्मे तो आजादी मिल जाती है। पर कुछ गल्लां दा सानूं ध्यान रखना चाहीदा है तां कि सानूं मैक्सिमम रिजल्ट मिल सकन। सब तो इंपॉर्टेंट गल है अख नूं रब नहीं करना। जदों भी असीं अख नूं रब करदे हां, कॉर्निया दे उत्ते फ्लैप बणिया हुंदा है। असीं सैकेंड डे तो नॉर्मली देखते हां, पेशेंट फील करदा है कि मैं बिल्कुल नॉर्मल हाँ, बट उसनूं भुलना नहीं चाहिए कि उस अख की हजे हीलिंग हो रही है, जो कि एक तो डेढ़ महीने तक हीलिंग प्रोसैस चलता है। उस दौरान अखां नूं बिल्कुल भी रब नहीं करना। दूसरा, दवाई हमेशा टाइम ते पानी है। लेसिक लेजर तो बाद थोड़ी जिनी ड्राइनेस, हरेक पेशेंट को थोड़ी कंप्लेंट होती है कि मेरी अखा में इस तरह कोई फॉरन बॉडी सेंसेशन हो रही है, कोई ड्राइनेस हो रही है। जो तो रबिंग की सेंसेशन आती है, तुसी एक ड्रॉप लुब्रिकेंट का पाओगे वो ठीक हो जाएगी। तो असं रिकमेंड करते हैं कि लुब्रिकेंट को तुसी अपनी जेब च रखो, जो भी जरूरत पे एक लुब्रिकेंट की ड्रॉप पाओ, पर अख में रब ना करो। दूसरे नंबर पर अख के पानी के छिट्टे ना मारो। किसी भी तरह के कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स ना खेलो, जिस तरह बैडमिंटन हो गया, क्रिकेट होगी, इन चीज़ों तो अवॉइड करना चाहिए है। किसी भी तरह का ट्रॉमा नहीं अख में होना चाहिए। यह ट्रॉमा तो वैसा ही वैसे भी बचना चाहिए है, बट स्पैशली आफ्टर लेसिक एंड कैटरेक्ट सर्जरी अख में किसी भी तरह का ट्रॉमा नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का सानू स्पैशली ध्यान रखना है। दूसरे दिन तो तुम अपने ऑफिस से जा सकते हो, अपना रूटीन का काम शुरू कर सकते हो, कार ड्राइव कर सकते हो, बट अखा से किसी भी तरह का लोड नहीं पाना। कोशिश करना चाहिए है कंप्यूटर नूं असीं हौली हौली अपनी लाइफ विच दुबारा लिआईए। कंप्यूटर ते मोबाइल तो बिना साडा अजकल दी जिंदगी बसर करनी बड़ी मुश्किल है। बट इस पहले 2-3 दिन तुहानूं ज़्यादा अखां ते लोड नहीं पाना। हफ्ते तो बाद तुसीं अपनी रूटीन एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हो। धीरे धीरे जिन्ना तुहाडी अखां लोड लै लईआं हन, तुसीं अपना काम शुरू कर सकते हो। ते आफ्टर 15 डेज यू आर बैक टू योर नॉर्मल ड्यूटीज। तुसीं सब कुछ अपना करो, कुछ मतलब प्रिकॉशन नहीं है, बस यही है कि रब नहीं करना। जो भी रबिंग की सेंसेशन हो गए, लुब्रिकेंट पाओ, तो अपनी नवी जिंदगी का आनंद मानो। थैंक यू।